खबर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, 11वीं जेपीएससी परीक्षा का पेपर लीक। उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज सेंटर पर हंगामा। परीक्षा वर्तमान का युग पेपर लीक का युग है, छात्रों के शोषण का युग है। यूपी क्या, बिहार क्या, अब बारी है झारखंड की। और झारखंड में परीक्षा यानी जो जेपीएससी की परीक्षा थी, झारखंड पीएससी की परीक्षा थी, इतनी ज़्यादा मात्रा में पेपर लीक हुआ है, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे टेलीग्राम के जरिए हो। और दूसरा पॉइंट, समय के पहले ही कक्षा में न खोलकर प्रिंसिपल के ऑफिस में समय के पहले पेपर को खोल दिया जाना। तीसरा पॉइंट, एक वीडियो आना जिसमें छात्र स्कूल के बरामदे में बैठकर नकल करते हुए और ओएमआर सीट भरते नज़र आ रहे हैं। यानी लोक सेवा आयोग की ऐसा मतलब ऐसी धांधली लोक सेवा आयोग में कभी कभार ही देखने को मिलती है। और वर्तमान का युग ही ऐसा है मेरे मित्र की पेपर लीक होना आम बात हो गया है। पर अभी तक लगातार, कल भी वहाँ के जो अधिकारीगण थे, जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, उन सभी लोगों ने मतलब कि मीटिंग भी करी, वहाँ की शिक्षा मंत्री ने भी मीटिंग करी, बट अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि परीक्षा को निरस्त किया जाएगा, कैसे क्या होगा। बट मेरे मित्र, हम सभी छात्र लगातार धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं लगातार। हालाँकि मैं यूपी से हूँ, बट झारखंड के हमारे कई मित्र ऐसे हैं जिनसे हमारा संपर्क है और वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कल शाम से कि परीक्षा को रद्द किया जाए। इतनी बड़ी मात्रा में पेपर लीक हुआ है कि छात्र बरामदे बैठ के पेपर दे रहे हैं, ओएमआर सीट भर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं? हम सभी छात्रों की यही मांग है कि जो संवेदनशील जिले हैं, जो संवेदनशील केंद्र हैं, उनको तो कम से कम रद्द कर दिया जाए और नई परीक्षा की तिथि का ऐलान किया जाए। आपकी क्या राय है मेरे मित्र, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।